हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू दीप स्टोन एडवाइस। आपका स्वागत है आपके ही चैनल में दीप स्टोन एडवाइस में। और आज आपके लिए मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँ जिसमें एक ऐसा ग्रेनाइट, दो ग्रेनाइट दिखाऊंगा जो आप अपने घर के फ्लोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, आपके घर के स्टेयरकेस के लिए यूज़ कर सकते हो, आपके घर के वॉल क्लैडिंग में यूज़ कर सकते हो। ऐसे कौन से दो ग्रेनाइट है जो हार्ड है, ड्यूरेबल है, जिसमें रस्टिंग नहीं आती है, स्टेन नहीं आता है, वाटर मार्क नहीं आता है, वो स्टोन मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। तो ये वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे दो ग्रेनाइट कौन से हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले दिखाने वाला हूँ एक लाइट कलर। आइए, आप देख सकते हो ये है ग्रेनाइट जो थोड़ा लाइट शेड है, ज़्यादा लाइट वाइट जैसा नहीं है बट लाइट है। अगर आप ब्लैक से कंपेयर करते हो या ब्राउन से कंपेयर करते हो तो इट इज़ लाइट कलर जो आप अपने घर के लिविंग एरिया में डाल सकते हो, जिससे ब्राइटनेस भी आएगी और ड्यूरेबल हार्ड स्टोन भी है। तो ये जो स्टोन है ये बिलोंग करता है ओडिशा से, आंध्रा बॉर्डर और ओडिशा बॉर्डर का स्टोन है। इसका नाम, ओरिजिनल नाम है डायमंड पल, ओपल ब्लू, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। और ये जो स्टोन है हार्ड आता है, ड्यूरेबल है। इसका थिकनेस जो है 17 mm या 18 mm आता है। ये जो स्टोन है आप स्टोन को घर के फ्लोरिंग में डाल सकते हो, स्टेयरकेस में डाल सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आप इसकी शाइन देख सकते हो, डिजाइन देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, पैटर्न यूनिफॉर्म आता है। लेकिन हर एक ग्रेनाइट में थोड़ा सा वेरिएशन तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि टाइल के जैसा सेम यूनिफॉर्म रहेगा, बट जैसे जैसे आप पीछे जाते रहोगे वैसा वैसा थोड़ा वेरिएशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हर एक ग्रेनाइट में। अगर आप 200 रुपये दे रहे हो या 150 रुपीज़ दे रहे हो या 200 या 300, लेकिन वेरिएशन वहाँ पर रहेगा क्योंकि ये नेचुरल स्टोन है जिसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। तो इस स्टोन में आपको क्रैक्स कम मिलेंगे, क्रैक्स इसका नेचर नहीं है, जो मोस्टली पैराडाइज, बॉस पैराडाइज, मल्टी, उसमें क्रैक्स ज़्यादा आते हैं, इसके अंदर आपको कुछ भी क्रैक्स नहीं मिलता है। दूसरा, वाटर एब्जॉर्बेशन इसमें नहीं होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे वाइट ग्रेनाइट से तो उसमें बहुत बहुत फास्ट वाटर एब्जॉर्बेशन होता है और इसमें उतना वाटर एब्जॉर्बेशन नहीं होता। मैं पानी डाल के भी दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हो ये मेरे पास में वाटर है और ये मैं आपको यहाँ पे पानी डाल के, वाटर डाल के दिखा रहा हूँ। दिस इज द वाटर। तो यहाँ पे उतना एब्जॉर्बेशन नहीं है जितना वाइट में होता है। अभी मैं वाइट आपको दिखाऊंगा उसमें कितना होता है, देखिए। तो ये वाइट ग्रेनाइट है, अगर मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ एज कम्पेयर टू उसमें, तो यहाँ पे ये जो एरिया है वो ब्लैक हो गया है, ये जो एरिया है वो थोड़ा ब्लैक हो गया है। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेशन, वाटर एब्जॉर्बेशन हो गया है। जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो रस्टिंग आना शुरू हो जाता है, तो रस्टिंग जो है इस स्टोन में आएगा। तो इस स्टोन में आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पे आपको कोई भी वाटर मार्क नहीं दिखेगा। तो वाटर मार्क नहीं है, इट मीन्स देर इज अ लेस पॉसिबिलिटीज ऑफ रस्टिंग। स्टेन येल्लो, आजकल आपने देखा होगा बहुत बहुत येल्लो आते हैं वाइट के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ग्रेनाइट के अंदर। तो वैसे इस स्टोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस स्टोन को यूज़ कर सकते हो। और इसका थिकनेस जो है आप देख सकते हो, थिकनेस यहाँ पे 17 mm है और 100% नेचुरल स्टोन है। आप जब मोल्डिंग करोगे, राउंडिंग करोगे, हाफ राउंड करोगे तो ये 100% आपको नेचुरल मिलेगा। देर इज नो कलर कोटिंग, नो एपॉक्सी, नथिंग, ओनली ट्रांसपेरेंट एपॉक्सी इज देर। देर आर टू टाइप्स ऑफ एपॉक्सी, कलर एपॉक्सी एंड ट्रांसपेरेंट क्लियर एपॉक्सी। तो ये स्टोन आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट एपॉक्सी ऐसे भी सभी स्टोन पर लगती है, वो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हर कोई कस्टमर आता है, सर एपॉक्सी है इसके ऊपर एपॉक्सी। लेकिन एपॉक्सी दो तरह की होती है, कलर एपॉक्सी नहीं होनी चाहिए कोई भी ग्रेनाइट के ऊपर। आप क्लियर एपॉक्सी, ट्रांसपेरेंट एपॉक्सी आप ले सकते हो क्योंकि वो एक प्रोसेस है, उसके बिना आप पॉलिश नहीं कर सकते। तो ये जो स्टोन है ये नेचुरल है, आप देख सकते हो 100% नेचुरल है। आप मेरे हर एक वीडियो में बताया कि नेचुरल कैसे पता करें, कलर एपॉक्सी कैसे पता करें, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, पानी लेके आप देख सकते हो, एजेस और आगे वाला सरफेस दोनों सेम होना चाहिए तो इट इज नेचुरल, आप देख सकते हो। सो ये जो स्टोन है आप देख सकते हो, ये स्टोन एकदम नीट एंड क्लीन स्टोन है, फुल बड़ा लॉट है जो ओडिशा से बिलोंग करता है, ओरिजिन ओडिशा से है। अपने घर के लिए आप लगा सकते हो, रेंट हाउस में डाल सकते हो, ओन हाउस में डाल सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये ड्यूरेबल है और लाइफ लॉन्ग है। इसका सरफेस जो है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, जल्दी से उसका चेंजेस नहीं आता जितना वाइट में आता है, तो इसका लाइफ जो है वो ज़्यादा है, बेटर देन योर वाइट ग्रेनाइट। इसका नाम जैसे मैंने बताया ओपल ब्लू और डायमंड पल यू कैन से। और इसके बारे में, प्राइस के बारे में मैं आपको डिटेल देना चाहता हूँ कि प्राइस जो वेरी करती है हमेशा
डिपेंड करता है क्वालिटी, क्वालिटी में अलग अलग है, जैसे मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि क्वालिटी कैसे पता करें। तो क्वालिटी में ब्लॉक क्वालिटी, ब्लॉक इन द सेंस स्टोन का क्वालिटी रहता है, रॉ मटेरियल का क्वालिटी रहता है, उसके बाद में प्रोसेस का क्वालिटी रहता है, उसके बाद में पैटर्न का क्वालिटी रहता है। ये तीनों क्वालिटी ओके है, देन इट विल कम इन प्रीमियम क्वालिटी। सो इसका प्रीमियम क्वालिटी अगर आप लेने जाते हो 135 रुपीज़ है, और लोअर क्वालिटी लेने जाओ तो 110 रुपीज़ भी है। तो 110 टू 135 तक वेरी करता है इसका प्राइजेस। सो ये आप अपने घर के लिए लगा सकते हो। एक और स्टोन दिखाना चाहता हूँ, इससे पैटर्न सेम रहेगा बट थोड़ा सा डार्क रहेगा, थोड़ा सा ब्लूइश ज़्यादा रहेगा। ये ग्रे टोन में है और वो थोड़ा ब्लू टोन में है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। आइए, सो नेक्स्ट स्टोन, मैंने दो स्टोन की बताने की बात की थी, ये दूसरा स्टोन है जिसका नाम है लेवेंडर ब्लू। लेवेंडर ब्लू आपने नाम सुना होगा, पहले लेवेंडर ब्लू आता था, आज भी लेवेंडर ब्लू आता है, लेकिन माइंस जो है माउंटेन, हर एक नियर बाय जो माउंटेन रहता है उसके आसपास बहुत सारे माउंटेन रहते हैं, तो वहाँ पे दो तीन तरह के लेवेंडर ब्लू निकलते हैं, एक लाइट निकलता है, एक डार्क निकलता है। जब भी आप डार्क लेवेंडर ब्लू लेने जाते हो तो उसमें रस्टिंग का चांसेस जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये जो है आप देख सकते हो इसमें ब्लूइश है, ज़्यादा ब्लू है, और पैटर्न जो है यूनिफॉर्म है। तो ये स्टोन आप अपने घर के लिए लगा सकते हो, लेवेंडर ब्लू, अगेन ओरिजिन फ्रॉम ओडिशा एंड आंध्र बॉर्डर, एंड प्राइस रेंज अगेन 110 टू 145 तक आप इसको अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी अगर आपको मिलती है, ग्लॉस ही नहीं, सब कुछ अच्छा है, तो 110 टू 145 तक रेंज इसका रहता है। 110 में मिलता है, 120 में मिलता है, 130 में भी मिलता है, 145 में भी मिलता है। तो ये प्रीमियम है, प्रीमियम ग्रेड स्टोन है, आप देख सकते हो। ईवन है एक ब्लॉक, इसमें लाइन नहीं है, पैच नहीं है, वेरिएशन नहीं है, क्रैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। मैंने ये कस्टमर को दिया था, 7 साल से यूज़ कर रहा, अभी तक रस्टिंग नहीं आई, स्टेन नहीं आया, तो इसके अंदर रस्टिंग स्टेन का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइट से थोड़ा डार्क है, लेकिन डार्क अगर ऐसा कलर देखते हो इससे ये लाइट है, अगर कंपेयर करते हो डार्क से तो दिस इज द लाइटर शेड्स। आप देख सकते हो नेचुरल है या नहीं है, इसके ऊपर कोई भी कलर नहीं डाला हुआ है, ये ओरिजिनल डार्क कलर है, ओरिजिनल डार्क ब्लू है, क्योंकि पहले लेवेंडर जो आता था वो लाइट आता था। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दिस इज द 100% नेचुरल। सो आप मोल्डिंग, राउंडिंग, हाफ नोजिंग करेंगे तो ये 100% नेचुरल आएगा। दूसरा, उसके अंदर वापस आपके वाटर एब्जर्वेशन नहीं है, जीरो वाटर एब्जर्वेशन, तो वाटर एब्जर्वेशन नहीं होता है तो रस्टिंग नहीं आएगा। तो ये स्टोन भी आप अपने घर के लिए लगा सकते हो, स्टेयर केस में लगा सकते हो, आउटर एरिया में लगा सकते हो, इनसाइड एरिया में लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो, क्योंकि ये जो स्टोन है ये भी हार्ड ड्यूरेबल स्टोन है, और ग्रेनाइट में बहुत सालों से चल रहा है। बैंगलोर एयरपोर्ट में भी लेवेंडर ब्लू लगा, लेकिन पुराना वाला, उसमें शेड अलग था, अभी जो नया आया है उसमें शेड अलग है, थोड़ा क्रिस्टल भी है, चमकता भी है, ग्लिटर भी है, और इसका ग्लॉसीनेस आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये दो कलर जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अपने घर के, आपके घर के लिए, मेरे घर के लिए, आपके घर के लिए, तो ये स्टोन आप लगा सकते हो। तो और भी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको और भी स्टोन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। और भी किसी भी ग्रेनाइट के बारे में या फिर टाइल्स के बारे में, मार्बल के बारे में डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगा है इन्फॉर्मेशन तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। सो ऐसे ही सपोर्ट बना रखे, थैंक यू।